क्या आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी भी तरीके की इनकम हो रही है, या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उन कैपिटल गेन्स पर टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं और साथ ही साथ कैसे आप जीरो टैक्सेस पे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेगी। इंडिया में अगर किसी भी तरीके का आप इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर टैक्सेस किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। बेसिकली यहां पे जो गेन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आप किसी भी स्टॉक्स को विद इन 12 months बेच देते हैं, मतलब 12 months से पहले बेच देते हैं, तो वहां पर जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, और वहां पे जो टैक्सेस लगते हैं वो STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस लगते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी स्टॉक्स को 12 महीनों के बाद में सेल करते हैं तो वहां पर LTCG एप्लीकेबल होता है, और उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस, जो कि आपको पे करने होते हैं। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस 15% एप्लीकेबल होते थे, लेटेस्ट बजट में इसे मॉडिफाई करके 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस में भी चेंजेस किए गए हैं। पहले 1 lakh की लिमिट पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे, अब ये गेन की लिमिट 1.25 lakh तक कर दी गई है, और उसके ऊपर में अगर कोई भी गेन होता है तो उस केस में आपको 12.5% के रेट से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इससे पहले आपको 10% के रेट पर यहाँ पर टैक्सेस पे करने पड़ते थे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि टैक्सेस एप्लीकेबल कब होते हैं। दो तरीके के गेन्स होते हैं, रियलाइज्ड गेन्स एंड अनरियलाइज्ड गेन। अगर आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया, उस पर प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने उस स्टॉक को बेचा नहीं, तो उस पर जो भी गेन्स होगा ना, उस पर आपको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर निश्चिंत रहिए कि उस गेन्स में भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड गेन है। लेकिन अगर आप उन स्टॉक्स को बेच देते हैं और उससे आपको गेन्स हो रहे हैं, तो उस केस में आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और इस टाइप के गेन्स को बोलते हैं रियलाइज्ड गेन। अब समझ लेते हैं कि LTCG एप्लीकेबल कैसे होता है। लेट्स से आपने 5 lakh rupees के कोई शेयर्स खरीदे, उनको 12 मंथ्स होल्ड करने के बाद में सेल ऑफ कर दिया, और वहाँ पे जो कैपिटल गेन्स हुए वो हुए 2 lakh rupees के। तो इस 2 lakh के गेन पर लेटेस्ट बजट के हिसाब से 1.25 lakh के अमाउंट पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, बचा 75,000 rupees, और उस पे आपको 12.5% के हिसाब से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जो कि हो जाते हैं 9,375 rupees। तो इस केस में आपको पे करने पड़ेंगे 9,375 rupees एज LTCG। अब यहाँ पर आप उस 1 lakh के अमाउंट पर कैसे टैक्सेस सेव कर सकते हैं। लेट्स से आपने 5 lakh के शेयर्स खरीदे, उसको पूरा सेल ऑफ नहीं किया आफ्टर 12 months, उसको हाफ ही सेल ऑफ किया, मतलब 2.5 lakh के शेयर सेल कर दिए, उस पे आपको 1 lakh का कैपिटल गेन हुआ, और 1 lakh के कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप टैक्सेस बचा सकते हैं। जो भी आपको अमाउंट मिला है सेल ऑफ करने के बाद, आप चाहें तो फिर से वो शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप टैक्सेस पे करने से बच जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करके इस 1.25 lakh की लिमिट को यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप अपने शेयर्स को एक बार में ना बेच के पार्ट्स में सेल ऑफ करें, ताकि आप इस लिमिट के बेनिफिट को पूरा यूटिलाइज कर सकें। अगर आपके फैमिली में ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी जो इनकम है एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो आप उनको ये जो शेयर्स है एज अ गिफ्ट डीड दे सकते हैं। तो उस केस में आप इस 1.25 लाख के लिमिट को यूटिलाइज करके इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल शो करना चाहूंगी अपने ही एक म्यूचुअल फंड के रीबैलेंसिंग का। एक फंड था जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो वी डिसाइडेड टू स्विच इट टू सम अदर फंड, लेकिन उस केस में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए, लेकिन वहां पर कैसे मैंने टैक्सेस सेव कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इक्विटी के अंडर में जो मेरी टोटल एक्विजिशन कॉस्ट थी उस शेयर की, वो थी 71,532 rupees, और उन शेयर्स को जब मैंने सेल ऑफ किया तो वहां पर मुझे वैल्यूएशन मिली 1,18,392 rupees, और यहाँ पर जो टोटल एक्चुअल कैपिटल गेन हुआ वो हुआ 46,860 rupees। और क्योंकि मैंने इन शेयर्स को आफ्टर 1 year सेल ऑफ किया, इस वजह से इस 46,860 rupees के अमाउंट पे मेरे को कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़े, और मेरा म्यूचुअल फंड्स भी रीबैलेंस हो गया। इस टेक्निक का यूज करके आप अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स को भी रीबैलेंस कर सकते हैं,
और इस कैपिंग का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स हार्वेस्टिंग का, जिसको यूटिलाइज करके जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्सेस पे करने से बच जाते हैं। जैसे कि लेट्स से आपको कोई लॉस हुआ शेयर मार्केट में 10,000 रुपीज का, आपको गेन भी हुआ 10,000 रुपीज का, टैक्स हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके लॉस को गेन से ऑफसेट कर सकते हैं। मतलब 10,000 में से 10,000 माइनस कर दिए, मतलब प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर दिया, तो वहां पर आपका नेट प्रॉफिट इस केस में हो गया जीरो और आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। लेट्स से आपने किसी ईयर में एक स्टॉक वन में इन्वेस्ट किए, वो स्टॉक्स आपने बाय किए 1,000 रुपीज में और उनको सेल ऑफ किया 1,100 रुपीज में, तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज का। इसी तरीके से आपने स्टॉक टू खरीदा जिसकी बाइंग वैल्यू भी 1,000 रुपीज थी, लेकिन जब आपने उसको सेल ऑफ किया तो वहां पर आपको 900 रुपीज ही मिले, तो यहाँ पर आपको लॉसेस हो गए 100 रुपीज का। लेकिन जब आप टैक्सेस पे करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके कैपिटल गेन्स ऑफसेट हो जाएंगे, मतलब 100 रुपीज का गेन 100 रुपीज के प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाएगा और वहां पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स से आपने 1 फरवरी 2023 को 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और उसे आफ्टर 2 ईयर्स सेल ऑफ कर दिया 5.7 लाख रुपीज में, तो यहाँ पर आपको गेन्स कितने हुए 1.7 लाख रुपीज। तो यहाँ पे जब आप टैक्सेस पे करने जाएंगे ना, तो आपको उस फर्स्ट 1.25 लाख के अमाउंट पे कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। जो कैपिटल गेन बचेगा जो कि टैक्सेबल होगा वो होगा 45,000 रुपीज़, और उस पे करंट रेट ऑफ 12.5% के हिसाब से आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो इस केस में आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे 5,625 रुपीज़। अब अप्रोच टू में हम ऐसे करेंगे, आपने 1 फरवरी 2021 को 4 लाख में ये बाय किए, तो आप इनको 2 साल के बाद सेल करने की जगह पे हर एक साल में सेल करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर जब आप इसको सेल ऑफ करने के लिए गए तो इसकी वैल्यू थी 4.8 लाख रुपीज और यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपीज का, और उस 80,000 रुपीज के पे तो आपको कोई टैक्सेस पे ही नहीं करने पड़ेंगे। अब क्या कीजिए, उस 4.8 लाख रुपीज को लेकर फिर से वही स्टॉक्स खरीद लीजिए। नेक्स्ट ईयर में अगर उसकी वैल्यू 5.7 लाख रुपीस हो जाती है और वहां पे जो प्रॉफिट होगा वो 70,000 ही कंसिडर होगा, और उस 70,000 रुपीस के अमाउंट पे आपको कोई टैक्सेस पे ही नहीं करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट वंस, इसको अगर आप पार्ट्स में सेल ऑफ करते हैं तो आप यहाँ पर टैक्सेस पे करने से बच जाएंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है लोगों का कि क्या इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये तो कहा ही जाता है कि आप स्टे इन्वेस्टेड रहिए तभी आपको कंपाउंडिंग फायदा होगा। देखिए, अगर आप जिस प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं उसी प्राइस पे आप खरीद भी रहे हैं तो कंपाउंडिंग कहाँ से इम्पैक्ट हुई। तो अगर आप सेम प्राइस पे बाय बैक कर रहे हैं तो वहां पर कंपाउंडिंग बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि कैपिटल गेन्स ऑफसेट कैसे होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होता है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस से ऑफसेट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ड्यूअल बेनिफिट मिल जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से ऑफसेट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस से भी ऑफसेट कर सकते हैं। देखिए, ये सेम स्ट्रैटेजी हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के केस में एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि वहां पर किसी किसी फंड में एग्जिट लोड्स भी आपको पे करने पड़ते हैं। साथ ही साथ टैक्स हार्वेस्टिंग एफिशिएंट तभी है जब आप जिस वैल्यू पे स्टॉक्स को सेल ऑफ कर रहे हैं सेम वैल्यू पे स्टॉक्स को बाय बैक भी कर रहे हैं, ताकि आपका कंपाउंडिंग भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है और वहां पे वो वैल्यूएशन इम्पैक्ट नहीं हो रही है। तो ये सारी डिटेल्स थी टैक्स हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के इनकम पे 1 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट को यूटिलाइज करके मैक्सिमम टैक्सेस सेव कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।